मलविंदर कंग का भी उन्होंने बयान सामने आया। रंधावा अपने बेटे को बचाने के लगे ने, मलविंदर कंग ने कहा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की गलत वरतों की गई है इस मामले के, रंधावा का जवाई भी शामिल है। पत्रकार साथियों, सब तो पहला तुहाडा स्वागत है। दोस्तों, अज एक अहम विषय नूं लैके मैं तुहाडे नूं रूबरू होया। पिछले कल पंजाब दे साबका डिप्टी सीएम जिन्हां नूं सिक्योरिटी कवर भी मिलिया होया, जिस तरीके नाल उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट नाल उन्होंने परिवार ने ना सिर्फ गुंडागर्दी की बल्कि उन्हें बुरी तरह असॉल्ट भी किया। जेड़े लोग हजे साबका हो चुके हैं ते तुसी इन्हां दीआं हरकतां तों अंदाजा ला सकदे हो, जदों इह सत्ता च रहे होणगे ते किस हद तक इह लोकां नाल आम जिहड़े सिटीजन है पंजाब दे जां बाकी उन्हां नाल किस हद तक धक्का करदे रहे होणगे। इक उहदा छोटा जिहा एग्जाम्पल है, साबका डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा जी जिहड़े उन्हां दा परिवार उन्हां दे बेटे ने कल एक होटल च एक नौजवान नाल ना सिर्फ कुटमार की बल्कि उन्हें सिक्योरिटी जिहड़ी जिहड़ी बेसिकली सिक्योरिटी ते रंधावा साहब नूं मिली है, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी का जिस तरीके नाल मिसयूज हुंदा इन्हां लोकां वल्लों कि बंदूक की नोक ते उन्हें किडनैप करने की कोशिश की, जो मुंडे ने बयान दिते है। ईवन चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन 17 च जाके सारी रात साबका डिप्टी सीएम चंडीगढ़ पुलिस नूं इन्फ्लुएंस करन दी कोशिश करते रहे, दबाव पाउण दी कोशिश करते रहे। एक बुरी तरह असॉल्ट होए, जख्मी होए नौजवान जिहड़ा कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उहदे सिर ते तीन टंके आए हुए हैं, गहरे जख्म है। अपनी पोजीशन का मिसयूज करते डिप्टी सीएम, साबका डिप्टी सीएम।